हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु में। आज से आपके लिए खुशखबरी है कि आपको इस चैनल पर अब डेली करंट अफेयर्स का अपडेट मिलेगा, जो कि IAS, PCS, SSC, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये सारे करंट अफेयर्स द हिंदू, जनसत्ता, दैनिक जागरण तथा अन्य समाचार पत्रों के टॉप करेंट अफेयर्स से लिए गए होंगे। तो आप डेली इस चैनल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मुझे और सारी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। ये आपके लाइक्स का ही नतीजा है। आपने इतना प्यार दिया है पिछले एक महीने में इस चैनल को कि मैंने इतने सारे वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं। और आप चैनल से जुड़े रहिए, मैं इतने सारे वीडियोस बना दूंगा, आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे पैसे बच जाएंगे, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम करेंट अफेयर्स का। पहला पॉइंट जो है, अजय छिब्बर को फिक्की ने अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। और सबसे देखिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं कि वो पूछता है किसको नियुक्त किया गया है और उससे संबंधित चीज़ें पूछती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया पूरे वीडियोज़ में। तो अजय छिब्बर जो है 1983 से 2008 के बीच विश्व बैंक से जुड़े थे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्ज़ाम में, हाल ही में अजय छिब्बर को फिक्की ने अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया, इससे पहले अजय छिब्बर किस संस्थान से संबंधित है? तो आप जो है विश्व बैंक याद रखिएगा। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका कृष्णा सोबती को दिया जाएगा, ठीक है? तो 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका कृष्णा सोबती को प्रदान किया जाएगा। और इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और पुरस्कार स्वरूप कृष्णा सोबती को 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाएगी। तो ये तीन चीज़ें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को दी जाती हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का उद्घाटन किया। अब देखते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का उद्देश्य क्या है। तो इन 3 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य खाद्य अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना है, ठीक है? तो इसका एम जो है वो खाद्य अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना है और भारत को विश्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के में निवेश का प्रमुख केंद्र बनाकर किसानों की आय दोगुनी करना। देखिए अब ये किसानों का मुद्दा बन गया है, ठीक है? तो किसानों की आय दोगुनी करने का इसमें टारगेट बनाया गया है और ये पहली बार है कि भारत में ऐसे आयोजन की मेजबानी जो है भारत कर रहा है। अगला पॉइंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के गवर्नर जेरोम एच पावेल को अमेरिकी केंद्रीय बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है? तो आप जेरोम एच पावेल को याद रखिएगा और जेरोम एच पावेल ने जेनेट येलेन का स्थान लिया है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है और उसने किसका स्थान लिया है। तो ठीक है, तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक का नया प्रमुख जो है जेरोम एच पावेल है, ठीक है, और इन्होंने जेनेट येलेन का स्थान लिया है। पांचवा पॉइंट है, केनेथ जस्टर भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे और इन्होंने रिचर्ड वर्मा की जगह ली है, ठीक है? तो केनेथ जस्टर जो है भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे और इन्होंने रिचर्ड वर्मा की जगह ली है। अगला न्यूज़ है ओडिशा से, ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण यानी OSDA और सिंगापुर की ITE एजुकेशन सर्विसेज यानी कि IETES ने राज्य में कौशल विकास के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU, जिसको अंग्रेजी में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, पर हस्ताक्षर किए। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ITES सिंगापुर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की अनुषंगी है। अगला न्यूज़ है, गेविन विलियमसन को ब्रिटेन का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है? तो गेविन विलियमसन का नाम याद रखिएगा, ये ब्रिटेन के नए रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने माइकल फैलेन का स्थान लिया है। अगला न्यूज़ है, एक वर्ष में 4 सुपर सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने के बाद किदंबी श्रीकांत ने विश्व बैडमिंटन महासंघ का सिंगल्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचने के साथ करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल कर ली है, ठीक है? तो किदंबी श्रीकांत जो है ये भारत के पहले से खिलाड़ी हैं
जिन्होंने एक वर्ष में 4 सुपर सीरीज जीती है और इन्होंने विश्व बैडमिंटन महासंघ की पुरुष सिंगल्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचने के साथ करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल कर ली है। अगली खबर है, सीमा सड़क संगठन BRO ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगा टॉप में बनाई गई है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सड़क की ऊंचाई कितनी है, तो ये 19,300 फीट ऊंचाई पर उमलिंगा टॉप में बनाई गई है। तो करंट अफेयर ऐसे नहीं समाप्त है, कल मैं फिर आपके लिए करंट अफेयर लेके आऊँगा। थैंक यू, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।